हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास आ गया है गाइस अक्टूबर मंथ का फैब बैग, तो आज इसका ही अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ आज अक्टूबर फैब बैग के बारे में, जो कि मुझे इस बार काफ़ी जल्दी रिसीव हो गया है। ये मुझे 29 यानी कि यस्टरडे इवनिंग में ही मुझे रिसीव हो गया था ये बैग। एंड गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है फैब बैग एक्चुअली है क्या, ये है एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स है गाइस। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के एडिशन में। सो गाइस, इस बैग में आपको मिलते हैं कुछ सैम्पल साइज और कुछ फुल साइज प्रोडक्ट्स, जिसमें से होते हैं स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड गाइस, आपको हर महीने एक मेल रिसीव होती है, जिसमें से आपको अपना मेकअप प्रोडक्ट है उसका शेड सेलेक्ट करना होता है। सो ये एक सिलेक्शन ऑप्शन होता है सभी के लिए। सो आप ये इस टाइप का जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा ये, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप अपना मेकअप जो कलेक्शन है, स्किन केयर कलेक्शन है, वो ऐसे बढ़ा सकते हैं इस टाइप के जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स हैं उन्हें सब्सक्राइब करके। सो गाइज, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये फैब बैग का जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है। इसमें काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि अभी तक मिले हैं मुझे भी। सो मैंने उनके वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए भी हैं। सो गाइज, ये है अक्टूबर मंथ का फैब बैग। हमेशा की तरह बैग काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। इसका जो प्रिंट है वो एक रोप टाइप का डिज़ाइन है, और यहाँ पे जो ये एक ब्लैक स्ट्रिप है, यहाँ पे लेबलिंग है फैब बैग की। बैग की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हमेशा की तरह फैब बैग के जो बैग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं एज ए मेकअप पाउच, अपने पर्स में आप इसे कैरी कर सकते हैं। सो गाइज, बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं इसके। सो गाइज, सबसे पहले ये कॉन्टेस्ट कार्ड है फैब बैग की तरफ से। एंड गाइज, ये नेक्स्ट है, ये है इन्फॉर्मेशन कार्ड है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल और उनके प्राइस मेंशन किए गए हैं। इस मंथ का जो थीम है वो है कलर योर वे। गाइस, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये त्वक एलिक्सर हेयर ग्रोथ कंसंट्रेट। बेसिकली एक सीरम है गाइस। इसका जो प्राइस है वो है 400 रुपीज, और 400 रुपीज में हमें मिला है 20 ml ऑफ प्रोडक्ट। गाइस, ये एक सैंपल साइज प्रोडक्ट है। एंड गाइस, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और इसको किस तरह से यूज करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। 10-20 ड्रॉप्स मिक्स विद कोकोनट और ओलिव ऑयल एंड मसाज जेंटली। आपको इसको मसाज करना है अपने हेयर में, इसको मिक्स करना 10-20 ड्रॉप्स आपको मिक्स करनी है कोकोनट ऑयल और या फिर ऑलिव ऑयल के साथ में। उसके बाद आपको अपने हेयर्स में मसाज करना है और उसको ओवरनाइट छोड़ देना है। सो वो आपके हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे साथ ही इसमें ये मेंशन किया गया है नो SLS, नो पैराबेंस, नो पेट्रोलियम ऑयल एंड नो एनिमल टेस्टेड। तो गाइज, ये इन सबसे फ्री है और ये एनिमल टेस्टेड भी नहीं है ये प्रोडक्ट। तो गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स हो सकता है, ये सीरम है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये द सोप कंपनी इंडिया पोमेग्रेनेट ब्यूटी बार। यहाँ पे मेंशन किया गया है एक्सक्लूसिवली हैंड क्राफ्टेड फॉर फैब बैग। सो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, और ये एक हैंडमेड सोप है। इसका जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़। बात करूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की, तो वो है जुलाई 2018, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं 18 मंथ तक। एंड गाइज, इसे किस तरह से यूज़ करना है वो यहाँ मेंशन किया गया है, साथ ही इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सो गाइज, ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, ये पोमेग्रेनेट से बना हुआ है, सो इसलिए ये रेड इन कलर में है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी मैच हो रही है, पोमेग्रेनेट के जो फ्रेग्रेंस होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही है। सो ये है गाइस सेकंड प्रोडक्ट। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है बायो आयुर्वेदा मिरेकल मॉइस्चराइजर टोनिंग फेस क्रीम। ये एक सैम्पल साइज प्रोडक्ट, और इसका जो प्राइस है वो है 875 रुपीज़, और उसमें हमें मिलता है 20 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। सो गाइज, ये एक लग्जरी क्रीम आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। 875 रुपीज़ है ओनली फॉर 20 ग्राम्स। सो गाइज, इसके जो सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंड गाइज, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है जुलाई 2018, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं 24 मंथ तक, तो 2 ईयर्स तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा हार्श फ्रेग्रेंस इसकी नहीं है। इसका जो टेक्स्चर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है। गाइज, ये जो मॉइस्चराइजर है ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रीमी फिर भी लगेगा स्किन पे। शायद 1-2 मिनट्स लेगा ये ऑब्जर्व होने के लिए अच्छे से स्किन में, लेकिन ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जैसा इसका टेक्स्चर है उसको देखते हुए। फोर्थ एंड लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये सिडक्शन की तरफ से, ये मिनी 10 लिपस्टिक का सेट है गाइज। इसे मैं कहूँ तो ये है स्टार ऑफ द मंथ प्रोडक्ट गाइज। ये काफ़ी ज़्यादा
अच्छा लगा मुझे, काफ़ी बिग थम्स अप है इसके लिए क्योंकि फैब बैग ने इस बार कुछ डिफरेंट हमें सेंड किया है। सो ये मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है ये लिपस्टिक, और मैंने उसमें से अभी एक शेड अप्लाई भी किया हुआ है। इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी टेक्सचर है गाइज, सो ये ड्राई जिनके लिप्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके लिप्स नॉर्मल हैं वो इसे अप्लाई करके एक टिश्यू पेपर से अगर डैब डैब करेंगे तो वो बिल्कुल इसको मैट फिनिश देगा, क्योंकि इनके जो कलर का पे ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसका कलर पे ऑफ। एंड गाइज इस पूरे कंटेनर का जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़, और इसकी जो नेट वेट है वो है 13 ग्राम्स। सो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस है, अफोर्डेबल रेंज में आपको 10 लिपस्टिक्स मिल रही हैं। अगर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो अफोर्डेबल लिपस्टिक और आप अपने कलर्स का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ाना चाहते हो, सो आप इस मंथ का फैब बैग गाइज ज़रूर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी अक्टूबर मंथ का फैब बैग आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसका जो टेक्सचर और कलर पे ऑफ आप देख सकते हैं गाइज, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका जो कलर पे ऑफ है, ये काफ़ी प्रिटी पर्पल शेड मैंने अप्लाई किया हुआ है। एंड गाइज इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सभी यहाँ पर मैंशन किए गए हैं, इन लिपस्टिक के साथ मिला ये कंटेनर तो हम इसी के अंदर इसे अच्छे से रख सकते हैं, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। एंड गाइस इस लिपस्टिक की जो पैकेजिंग है वो अलग से इस तरह से ट्रांसपेरेंट, ये जो रैप्ड हैं ये इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड गाइस जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो ईच लिपस्टिक के जो ये स्टिकर हैं यहाँ पर इस पर मैंशन की गई हैं। सो गाइज इस लिपस्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है जुलाई 2018, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं जून 2021 तक, तो 3 ईयर्स तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सो गाइज लिपस्टिक की जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसका जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं, ये मेरी फिंगर से भी इतना छोटा है, टीनी टाइनी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, बैग्स में इजीली कैरी कर सकते हो आप अपने ऑफिस बैग में, या नॉर्मली आप डेली बेसिस पे इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा वेट इनमें नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। सो गाइज इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो यहाँ मेंशन की गई है, इस जो रैप है जो इसके ट्रांसपेरेंट शीट पे यहाँ पे मेंशन की गई है। सो गाइज इन लिपस्टिक के जो शेड्स हैं वो क्विकली मैं आपको अपने हैंड स्वॉचेस दिखा दूंगी सभी के कि कैसे इनका शेड्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो शेड है वो है 07, ये एक प्रिटी फ्यूशिया पिंक कलर है। सेकेंड है गाइज 06, एंड ये है गाइज एक प्रिटी ऑरेंजिश टाइप कलर है गाइज। नेक्स्ट है शेड नंबर 10, और ये काफ़ी प्रिटी आप देख सकते हैं, ये एक पिंकिश सा शेड है, ब्राउन अंडरटोन में पिंकिश शेड आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये शेड नंबर 16, एंड ये आप देख सकते हैं ये मैरूनिश रेड कलर है, काफ़ी प्रिटी, ये एकदम प्लम मैरूनिश कलर आप इसे बोल सकते हैं। सो गाइज ये है एक मैरूनिश कलर है। नेक्स्ट है गाइस शेड नंबर 02, जो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, ये काफ़ी प्रिटी ग्लोसी पर्पल शेड है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये शेड, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शेड नंबर 01, गाइस ये जो शेड है ये है रेड अंडरटोन में पिंक शेड है, ये आप देख सकते हैं ये शेड, ये थोड़ा सा पिंक एंड थोड़ा सा रेडिश कलर में है। नेक्स्ट है गाइस शेड नंबर 09, ये थोड़ा सा पीची ऑरेंजिश सा शेड है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शेड नंबर 19, एंड फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये एक थोड़ा सा मोव पिंकी शेड है, सो ये है शेड नंबर 19। नेक्स्ट है शेड नंबर 11, और ये काफ़ी प्रिटी ब्राउन चॉकलेट टाइप ऑफ कलर है, ये डार्क ब्राउन शेड है। गाइज लास्ट जो शेड है वो है शेड नंबर 08, और ये है प्रिटी एक रेड शेड है, आप देख सकते हैं। सो गाइज ये है सभी लिपस्टिक के स्वॉचेस, आप देख सकते हैं इसमें आपको मिल जाते हैं सभी कलर्स, इसमें आपको मिलता है पीची ऑरेंजिश और ऑरेंज शेड, और साथ ही आपको मिलता है यहाँ पे एक फ्यूशिया पिंक कलर, और साथ ही पर्पल शेड है एक, ये साथ ही इसमें मिलता है एक ब्राउन अंडरटोन में रेड कलर है, और एक ये है रेड कलर। एंड गाइस इसमें एक मिलता है हमें ये पिंक शेड, और एक शेड है इसमें मिलता है हमें न्यूड ब्राउन शेड है, ये डार्क ब्राउन शेड है, तो ये शेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। तो गाइस ये हैं वो सारे शेड्स जो हमें मिले हैं इस मंथ के फैब बैग में। सो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस मंथ के फैब बैग से, क्योंकि ये जो लिपस्टिक के जो कलर्स का पे ऑफ है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतने ज़्यादा पिगमेंटेड है ये लिपस्टिक कि आप एक ही स्वाइप में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर मिलता है। सो ये लिपस्टिक की पिगमेंटेशन और इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पसंद
पसंद आया मुझे। सो गाइज इस मंथ के बैग के लिए बिग थम्स अप है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। आप अगर अपनी लिपस्टिक का कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आप जरूर परचेज कर सकते हैं अक्टूबर मंथ का फैब बैग। मुझे काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि मैं हूँ लिपस्टिक एडिक्ट, सो मुझे लिपस्टिक्स काफी ज्यादा पसंद है, सो इसलिए मुझे ये मंथ का फैब बैग काफी पसंद आया है। सो आप भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। सो गाइज ये था अक्टूबर मंथ का फैब बैग अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन के साथ वाला बेल आइकन, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। और साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सजेशंस मुझे जरूर देते रहिएगा। साथ ही मुझे फॉलो करते रहिए मेरे ऑल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, जिनकी लिंक्स मैंने दिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।